एवरीवन, आई एम माधुरी एंड वेलकम बैक। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ फॉक्स टेल के न्यूली लॉन्च फेस वॉश का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। दैट इज रिफ्रेशिंग फेस वॉश, जो कि अभी न्यू लॉन्च हुआ है। तो इसको मैं 2 हफ्ते से यूज कर रही थी, उसके बाद ही मैं अपना रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि ये कौन से स्किन टाइप के लिए अच्छा है। इन्होंने मेंशन करा है कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, तो क्या ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए वर्क करेगा, ये भी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। मेरा स्किन जो टाइप है वो है ड्राई, तो मेरे लिए कैसा वर्क करा, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा एंड आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी पैकेजिंग शेयर कर लेती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है एंड इसका जो इनर पैकेजिंग दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक। कुछ इस तरह से ग्रीन कलर का ट्यूब आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। इससे पहले मैं फॉक्सटेल का एक और फेस वॉश का रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसको भी मैंने ट्राई करा था, तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है एग्जैक्ट वैसी ही है एंड मुझे ऐसा लगता है कि फॉक्सटेल के मोस्टली जितने भी फेस वॉशेस हैं फॉक्सटेल के, उसमें सेम ही फ्रेग्रेंस आती है। तो फ्रेग्रेंस तो इसकी उसी जैसी है एंड रिफ्रेशिंग है, तो फ्रेग्रेंस तो मुझे अच्छी लगी है। अगर आप चाहो तो उस वाले फेस वॉश का रिव्यू भी देख सकते हो, जो कि इनका 2-in-1 फेस वॉश है, जिसको आप एज अ फेस वॉश भी यूज कर सकते हो, एज अ फेस मास्क भी यूज कर सकते हो। सो गाइस, इस पर जो जो भी मेंशन करा है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। तो गाइस, ये इनका रिफ्रेशिंग फेस वॉश है, जो कि पोर्स को डीपली क्लींस करता है। इसमें नियासिनमाइड है एंड कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है। ये 100 ml का प्रोडक्ट है, जो कि आपको 249 MRP के साथ मिलता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है 249 काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि 100 ml की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी दे रहे हैं ये। इनके अदर फेस वॉशेस आते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, तो ये अफोर्डेबल रेंज में है एंड इवन मैंने इसको अमेजोन से और भी ज़्यादा अफोर्डेबल लिया था, तो प्राइजिंग तो काफ़ी सही है इसकी। नाउ बात करें, जो नियासिनमाइड होता है वो स्किन के बैरियर को रिपेयर करता है, स्किन को लाइटन करता है एंड आपके टैन को भी रिमूव करने में आपकी हेल्प करे, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करे एंड कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट आपके पोर्स को टाइट करने में आपकी हेल्प करता है एंड इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो ये एजिंग को भी रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा। नाउ मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो कुछ इस तरह का इसका ट्रांसपेरेंट जेल लाइक टेक्सचर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेदर करता है, विच मीन्स आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये प्रोडक्ट काफ़ी लंबा चल जाएगा आपको। नाउ बात करें ये किस तरह की स्किन के लिए है, तो मैं जब भी इसको अप्लाई करती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग फील होता है एंड ये काफ़ी अच्छे से क्लींस कर देता है स्किन को, टेक्सचर को भी इम्प्रूव कर देता है एंड काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है। जैसे ही मैं फेस वॉश करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, काफ़ी क्लीन क्लीन फील हो रहा है। एट द सेम टाइम ये नेचुरल ऑयल्स को स्ट्रिप ऑफ नहीं कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फेस वॉश है ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए वर्क करेगा, बिकॉज ये नेचुरल ऑयल्स को रिमूव नहीं कर रहा है एंड जिनको भी काफ़ी ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन होता है उसको इजीली रिमूव कर देगा, डर्ट को रिमूव कर देगा। सो ये ड्राई ऑयली एंड कॉम्बिनेशन ऑल स्किन टाइप्स के लिए अच्छा वर्क करेगा, स्किन को क्लींस करता है, प्लम्प बनाता है, हाइड्रेटेड फील होता है। इसको यूज़ करने के तुरंत बाद ही अगर आप मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करते हो तो भी ये एकदम से ड्राई फील नहीं होता है, इसलिए ये फेस वॉश मुझे काफ़ी पसंद आया। मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि ये ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सारे ही स्किन टाइप्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा है एंड मुझे तो पर्सनली काफी अच्छा लगा है। बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है, नेचुरल ऑयल्स को बिल्कुल भी स्ट्रिप ऑफ नहीं कर रहा है, स्किन को ड्राई भी नहीं बना रहा है, एट द सेम टाइम क्लींस भी कर देता है, तो स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है। मुझे तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगा है एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। अगर आप ऑयली स्किन वाले हो तो भी आप इसको परचेज कर सकते हो, क्योंकि ये स्किन को काफी अच्छे से क्लींस करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए काफी अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि ये ड्राइंग फॉर्मूला नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल ड्राई नहीं बना रहा है स्किन को एंड क्लींस कर देता है। जिनको भी एक्स्ट्रा सीबम प्रोडक्शन है उसको भी काफी अच्छे से क्लियर कर देगा एंड ये बहुत ज्यादा लेदर करता है, जिसकी बहुत ही कम क्वांटिटी आपको लगती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छी है एंड क्वांटिटी भी अच्छी है, प्राइस भी अफोर्डेबल है, तो काफी अच्छा फेस वॉश है। अगर आप फॉक्सटेल से ही कोई लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, आपको रिग्रेट नहीं होगा। सो गाइस, दैट्स ऑल इस प्रोडक्ट के लिए, मेरा यही रिव्यू था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।